तस्वीरें नजर आ रही हैं जिसमें लोग जो है वो टायर्स हटाते हुए दिख रहे हैं ताकि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आगे आए और आग बुझाने का काम जो है वो किया जा सके। प्रतीक, आपके पास क्या जानकारी है? कहा जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, 22 लोगों की जान चली गई, इस तरह की खबर सामने आ रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट देखे की बात की जाए तो अभी कोई सत्तावार कोई अधिकारी जो मनपा के अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है या फायर टीम कोई या गाड़ी कलेक्टर है किसी ने भी अभी सत्तावार कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं दिया कितना मौत का आंकड़ा हुआ है। और बात की जाए की जो मीडिया देख रहा था जब डेड बॉडी निकालने की बात हो रही थी तब 9 डेड बॉडी मीडिया ने अपने आंखों से देखी है, जो आप हमारी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 9 डेड बॉडी जो मीडिया के सामने है, यहाँ से जो डीआरपी गेमटो ने उसमें से निकाल कर बाहर लेकर जो उसको पीएम के लिए राजकोट के सिविल हॉस्पिटल में ले गए। जी कि टायर्स जो आसपास लोग थे या फिर अब इसी गेमिंग जोन से जुड़े ये लोग थे जो टायर्स को हटाते हुए दिख रहे हैं, दमकल की गाड़ियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हम सीधे लाइव आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं रात का वक्त है। प्रतीक, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए धीरे धीरे अंधेरा हो गया है, अब तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, तो जाहिर सी बात है अभी आग बुझाने में ज्यादा चुनौतियां होंगी वहां पर। आग अब क्या लग रहा है, कितनी देर में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन और आग बुझाने का काम खत्म हो जाएगा? जी, बात की रेस्क्यू ऑपरेशन की तो अभी लगता है कि जो भी जो आग है वो तो थोड़ी सम चुकी है और फायर भी अपना जो काम है वो ठीक से कर रही है और सभी अभी जो अंदर जो लोग फंसे उनको बचाने के लिए भी सीढ़ियों से अंदर जाने की अभी जो फायर टीम है वो चुनौतियां जो पार कर रही है। और लगता है कि शायद रात के 2-3 बजे या सुबह 4 बजे तक जो जितनी भी लाश होगी उसको बाहर निकालने की तजवीज है वो शुरू कर दी जाएगी और सारी इंक्वायरी है जो कल सुबह ऑफिशियल स्टेटमेंट में ही जो अपने आरएमसी कमिश्नर है वो देखे ऐसा जानने को मिला है। अच्छा प्रतीक, ये क्या साफ हो पाया है कि कितने बच्चे वहां पर अंदर थे? हालांकि 9 डेड बॉडी बाहर आ गई हैं और आप कह रहे हैं कि 2-3 बजे तक अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कम से कम चलेगा। आग पूरी तरह से बुझा ली गई है? नहीं, आग अभी तक पूरी तरह से नहीं बुझाई गई क्योंकि जो ये इसका ढांचा था वो इतना बड़ा था कि आग बुझा जो आग लगी थी वो एक तरफा नहीं लगी थी या किसी एक कोने में नहीं लगी थी, जो आग लगी थी वो पूरे ढांचे में लगी थी, पूरे स्ट्रक्चर में लगी थी। और जो पूरा स्ट्रक्चर है वो प्लास्टिक बेस्ड ज्यादा मटेरियल इसमें यूज होता है और कापड़ का ज्यादा क्या होता है, क्या इतनी इतना क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्लास्टिक बेस्ड स्ट्रक्चर ज्यादा बनाया गया था, क्या ये उस एरिया में बनाना अलाउ था? क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत बड़ा ये ओपन एरिया है जहां पर ये पूरा गेमिंग जोन जो है वो बनाया गया था, क्या वहां पर इजाजत थी पूरे गेमिंग सेंटर के पास कि इतना बड़ा प्लास्टिक डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो प्लास्टिक के थ्रू होना चाहिए? जी, बात की जाए वही बात कर रहा था कि जो कच्चा था पूरा वो अंदर की तरफ पूरा प्लास्टिक का मटेरियल घुस हुआ था और कहीं थर्मोकोल भी क्योंकि जो स्नूकर्स होते हैं ज्यादातर थर्मोकोल की सीटें यूज होती है तो उस हिसाब से आपकी स्थानीय पुलिस थी उसको भी हमने पूछा तो वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे क्योंकि इसकी परमिशन नहीं मिली थी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा हुआ कि किसी बड़े बाप की जो औलाद होती है उसने ये शुरू कर दिया है और ये सब होने के बाद वो किसी की परमिशन नहीं लिए। और इस पे अभी बात की जाए तो भाजपा है उसके शहर प्रमुख नाना सभ्य है, कांग्रेस है उसके शहर प्रमुख सभा गए और कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति के भी जो भाव मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, राजकोट से आप क्या ये कह सकते हैं कि शहर से थोड़ा आउटर में ये पूरा गेमिंग जोन बना हुआ था क्योंकि काफी बड़े एरिया में कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं जितना इन तस्वीरों के जरिए समझ में आ रहा है, और क्या आपकी पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई है? क्योंकि अब रात का वक्त है तो रात के वक्त में ये पूरा ऑपरेशन करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। जी, वो तो बात सही है क्योंकि यहाँ पर जो टीआरपी जोन है वहाँ आग लगने के कारण कहीं भी लाइट नहीं है अभी तो, और इस हिसाब से जो फायर की जो टीम है उसे जो डेड बॉडी अंदर कितनी बसी है, कितने लोग अंदर बसे उसको तो एक चुनौती जैसा ही लग रहा है क्योंकि इतने कुछ अंदर तो दिखने को मिलता ही नहीं है क्यों। और जैसे की बात की जाए कि कोई अंदर आग का कहीं भी पैर रखो तो वहां पर आग दिखने को मिलती है, सबसे उसको फायर टीम को चुनौती ज्यादा दिख रही है। प्रतीक, क्या वहां पर पेरेंट्स हैं जो बच्चे अंदर गेमिंग जोन में गए थे, उनसे कोई बातचीत आप कर सकते हैं क्या? जी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये कोई स्नूकर से जो ये टीआरपी गेम तो नहीं है, किसी अमीर रहीस सादे का लगता है जिस हिसाब से राजकारणी भी यहाँ पर आ गए थे उस हिसाब से जो उसके जो पेरेंट्स जिसके बच्चे अंदर फंसे थे
उसके पेरेंट्स को भी आ रहे थे तो मीडिया को मिलने से मना कर रहे थे, और मीडिया को भी पहले तो इन लोगों ने बाहर जाने का धक्का मार और धक्का मार के बाहर निकलने की कोशिश की थी कि भाई कोई मीडिया वाला अंदर नहीं आना चाहिए, और पेरेंट्स जो आ रहे थे उसे भी मीडिया को बात करने, अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया को बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जो बच्चे अंदर फंसे थे उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कुछ छिपाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है क्या? बिल्कुल 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 100% छुपाने की बात हो रही है, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो यहाँ से आप मेहनत हमने तो 9 आंकड़े ही दिए कि 9 बच्चे की लाश निकली, लेकिन अभी यहाँ जो बात कर रहे थे कितने लोग वो ऐसा भी बोल रहे थे कि अभी 15 से 20 बच्चे अंदर फंसे हुए ऐसा भी बोल, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आने की वजह से किसी मीडिया को